आईपीएल 2024 में एक और रोमांचक महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इन दोनों ही टीमों के बीच सुपरहिट मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। आरसीबी और मुंबई के बीच मुकाबला खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा उलटफेर देखा गया। गुजरात, हैदराबाद और चेन्नई समेत 5 टीमों को लग गया है बड़ा झटका। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2024 के बिल्कुल नए पॉइंट्स टेबल के बारे में बताएंगे। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 का नया पॉइंट्स टेबल जारी हो चुका है। पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस स्थान पर है जानने के लिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में कौन सी 4 टीमें पहुंचेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में आपको हम यह भी बताएंगे कि किस खिलाड़ी के पास ओवन रेंज कैप है और किस खिलाड़ी के पास पर्पल कैप, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की टीम मुंबई और फाफ डुप्लेसिस की टीम आरसीबी के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार टक्कर देखने को मिली। एक तरफ जहां मुंबई के पास रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद थे, तो वहीं पर दूसरी तरफ आरसीबी की टीम में विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, दिनेश कार्तिक जैसे इन विस्फोटक खिलाड़ी शामिल थे। दोनों ही टीमों के बीच इस मुकाबले में बहुत ही करारी भिड़ंत हुई। आपको बता दें, आरसीबी और मुंबई के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला ये महामुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में भूचाल सा आ गया है। कई सारी टीमों को झटका लगा है तो कई टीमों को खुशखबरी मिली है। तो आइए दोस्तों, अब आपका बिना ज्यादा वक्त लिए आपको आईपीएल 2024 के बिल्कुल नए पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस आईपीएल में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं किस टीम के फैंस सबसे ज्यादा हमारी वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें स्थान पर यानी कि बॉटम में दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है। दिल्ली का परफॉर्मेंस अब तक बहुत ही घटिया रहा है, आईपीएल में उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की टीम अभी तक टोटल 5 मुकाबले खेल चुकी है जिसमें उन्हें एक मुकाबले में जीत, बाकी के 4 मैच में हार मिली है। दिल्ली की टीम अभी 9 मुकाबले और खेलेगी जिनमें से उन्हें कम से कम 7 मुकाबले प्लेऑफ में क्वालिफाई होने के लिए जीतने पड़ेंगे। दिल्ली कैपिटल का नेट रन रेट इस समय -1.370 है, जबकि दोस्तों इसके बाद पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर आरसीबी की टीम मौजूद है। आरसीबी दिल्ली की तरह ही बहुत खराब प्रदर्शन दिखा रही है। आरसीबी अभी तक 6 मुकाबले खेल चुकी है जिसमें उन्हें केवल एक ही मुकाबले में जीत मिली है, बाकी के 5 मुकाबले में शर्मनाक तरीके से हार झेलनी पड़ी है। आरसीबी के पास पॉइंट्स टेबल में मात्र 2 पॉइंट्स हैं। आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए हैं 8 मैच में से 7 मैच जीतने पड़ेंगे। आरसीबी का नेट रन रेट -0.742 है। तो वहीं पर दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर पंजाब किंग्स टीम मौजूद है। पंजाब टीम अभी तक 5 मुकाबले में पार्टिसिपेट कर चुकी है जिनमें से उन्हें सिर्फ 2 मुकाबले में जीत मिली है, बाकी के 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब के पास इस समय पॉइंट्स टेबल में 4 पॉइंट्स है। पंजाब का नेट रन रेट -0.196 है। आपको बता दें, पंजाब के पास अभी खेलने के लिए 9 मैच बचे हुए हैं जिनमें से कम पंजाब को 6 मैच और जीतने पड़ेंगे तभी उन्हें प्लेऑफ में जगह मिल पाएगी। तो वहीं पर दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर मुंबई की टीम पहुंच गई है। मुंबई अभी तक 5 मुकाबले खेल चुकी है जिनमें उन्हें 2 मुकाबले में जीत मिली है, बाकी के 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई के पास इस समय पॉइंट्स टेबल में 4 पॉइंट है और इस समय इनका नेट रन रेट -0.073 है। मुंबई को प्लेऑफ में जाने के लिए अपने बचे हुए 9 मैच में से 6 मैच और जीतने पड़ेंगे। जबकि दोस्तों, इसके बाद पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर गुजरात की टीम मौजूद है। आपको बता दें, गुजरात अभी तक टोटल 6 मैच खेल चुकी है जिनमें उन्हें 3 मैच में जीत मिली है और 3 ही मैच में हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात के पास पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स है और इस समय इनका नेट रन रेट -0.637 है।
के यानी गुजरात टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए 8 मैच में से कम 5 मैच और जीतने पड़ेंगे, तब जाकर गुजरात प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। तो वहीं पर दोस्तों पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर हैदराबाद की टीम मौजूद है। हैदराबाद 5 मुकाबले में पार्टिसिपेट कर चुकी है जिनमें उन्हें 3 मुकाबले में जीत और 2 मुकाबले में हार मिली है। हैदराबाद इस समय बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इनके पास पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट है। इस समय हैदराबाद का नेट रन रेट प्लस 0.344 है। आपको बता दें हैदराबाद को अगर प्लेऑफ तक पहुंचना है तो बचे हुए 9। वहीं पर दोस्तों पॉइंट्स टेबल में 4थे नंबर पर चेन्नई की टीम मौजूद है। चेन्नई अभी तक 5 मुकाबले खेल चुकी है, 3 मुकाबले में जीत और 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई के पास पॉइंट्स टेबल में 6 पॉइंट्स हैं और इस समय चेन्नई को अभी 9 मैच खेलने हैं जिनमें उन्हें कम से कम 5 मैच हर हाल में जीतने पड़ेंगे, तब चेन्नई प्लेऑफ में पहुंच पाएगी। जबकि दोस्तों इसके बाद पॉइंट्स टेबल में 3रे नंबर पर लखनऊ टीम मौजूद है। लखनऊ अभी तक 4 मुकाबले खेल चुकी है, राहुल की शानदार अगुवाई में लखनऊ को 3 मुकाबले में जीत और सिर्फ 1 ही मुकाबले में हार मिली है। लखनऊ के पास इस समय 6 पॉइंट हैं। लखनऊ का नेट रन रेट प्लस 0.775 है। दोस्तों आपको बता दें लखनऊ के पास अभी खेलने के लिए 10 मैच बचे हुए हैं जिनमें से कम राहुल को 5 मैच और जीतने पड़ेंगे, उसके बाद लखनऊ को प्लेऑफ का टिकट मिल जाएगा। तो वहीं पर दोस्तों पॉइंट्स टेबल में 2रे नंबर पर केकेआर की टीम मौजूद है। श्रेयस की कप्तानी में केकेआर 4 मुकाबला खेली है जिनमें उन्हें 3 में जीत मिली है और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। केकेआर के पास इस समय 6 पॉइंट्स हैं। इनका नेट रन रेट प्लस 1.528 है। आपको बता दें केकेआर अभी 10 मैच और खेलेंगी जिनमें से अगर 5 मैच और जीत लेती है तो उनके लिए प्लेऑफ का रास्ता खुल जाएगा। तो वहीं पर दोस्तों पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर यानी कि सबसे टॉप पर राजस्थान की टीम मौजूद है। सैमसन की बेहतरीन कैप्टनसी में राजस्थान 5 मुकाबले खेली है और उन्हें बैक टू बैक 4 मुकाबले में जीत मिली थी और इनको पिछले ही मुकाबले में गुजरात के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान के पास पॉइंट्स टेबल में 8 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट प्लस 0.871 है। आपको बता दें राजस्थान अभी 9 मैच और खेलेगी। राजस्थान जिस तरह से परफॉर्म कर रही है प्लेऑफ में सबसे पहले पहुंचेगी। जबकि दोस्तों आपको बता दें ऑरेंज कैप इस समय विराट कोहली के पास है। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली लिस्ट में सबसे टॉप पर कोहली 6 पारी में 319 रन बना चुके हैं, जबकि इस लिस्ट में 2रे नंबर पर रियान पराग है जो कि 261 रन बना चुके हैं। तो वहीं पर दोस्तों पर पर्पल कैप यूजी चहल और जसप्रीत बुमराह के पास है। दोनों ही खिलाड़ी अभी तक 10-10 विकेट ले चुके हैं।